Welcome to Yogic and Modern Science. Today we'll be talking about consciousness. Nowadays scientists are saying that consciousness is the ultimate reality. They have come to this conclusion that for anything to exist, it requires consciousness. If consciousness is absent, nothing can be nothing can be created. So this consciousness is the integral part of the very creative process. Now in yogic science, various kind of schools like Sankhya Yoga, Patanjali Yoga, in the discourse between Raja Janak and Ashtavakra, this consciousness has been talked about various times. Multiple times. For example, in Ashtavakra Gita, Ashtavakra talks about this consciousness and he says to Raja Janak that consciousness is the witness of everything. This is the witness principle. So something which is witness is the consciousness. Now, in yogic science, how this consciousness participate in the process of creation and how it remains as it is. Because I think consciousness is still a mystery to the scientist also and to the general people. Now Sharmaji, I would like to ask you about the standpoint of yogic science with reference to consciousness. ये जो चेतन है, चेतना शक्ति है, ये निर्माण प्रक्रिया में और इसकी जो वस्तु स्थिति है वो क्या है और ये निर्माण प्रक्रिया में कैसे सहायता करती है, ये चेतना है क्या? चेतना मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो जीव आत्मा है उसका एक आगे का भाग जो है वो 3% में चेतन प्रक्रिया की तहत वो एक फूलता और सिकुड़ता है, अर्थात यहाँ पर चेतन प्रक्रिया है, यहाँ इसकी एक चेतना है और ये उसकी जो चेतन प्रक्रिया है, तो ये चेतना यहाँ पर जो स्पष्ट है बिल्कुल, और जो बाकी तीन भुजाओं में उसके लिक्विड जो भरा हुआ है जिसका कलर डार्क मटमैला है, और ये मटमैले कलर के जो जब वो अपने दूसरा भाग बनाता है, अपने अंग अपना एक अंग अलग से बनाता है जिसका आकार अंडे की तरह है, उस अंडे में जो ये मटमैले कलर के छोटे छोटे उसी आकार के चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है, चेतन की प्रक्रिया वहाँ नहीं है, मगर वो जो मटमैले कलर के अंडे हैं वहाँ, वो अंडे के अंदर जो चीज़ उनकी स्थिति है वो एक लिक्विड में, और मटमैले कलर का एक लिक्विड है उसी में लिक्विड में डूबना, और वहाँ में एक रिक्त है जो पारदर्शी है, उस पारदर्शी में वो उभरते हैं, डूबते हैं, उभरते हैं, ये प्रक्रिया उसमें जारी है, साकार निराकार की। हाँ, साकार और निराकार की ये प्रक्रिया उसमें जारी है उस अंडे में, मगर इसको इसमें एक ही चीज पर निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए उसमें दूसरी प्रक्रिया जो दूसरा उसका भाग है, खड़ा भाग जिसमें चेतन की प्रक्रिया, इसलिए वो उसका ऊपर है हल्का भाग, तो उसमें भी जो एक प्लस है उससे बड़ा, उसमें भी वो चीज नहीं है जो चेतना वहाँ उसमें स्पष्ट हो रही है पहली पोजिशन पर, तो तीसरी पोजिशन पर भी उसमें चेतना की प्रक्रिया वहाँ नहीं है, मगर वो पूरा का पूरा एक चतुर्भुजाकार जो चतुर्भुज है प्लस टाइप है, वो पूरा का पूरा एक चांदी के कलर का चमक रहा है जो नीचे की ओर गिरता है और फिर उठता है ऊपर की तरफ, वो अंडे को कंट्रोल करने में या किसी चीज़ को निर्माण करने में या किसी चीज़ को गति प्रदान करने में, उसे शक्ति देने में और उसे शब्द देने में, उसकी वो जो क्षमताएँ हैं वो उस अंडे को वो दे रहा है जिससे कि ये पूरा एक जगत निर्माण हो रहा है चेतन प्रक्रिया। ठीक है, अगर कोई साइंस ये कहे कि ये सुप्रीम है चेतन प्रक्रिया तो ये ठीक है, मगर अभी सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इसने इतना सारा निर्माण कर लिया है, इतना सब कुछ बना लिया है, नाना प्रकार संसार खड़ा कर लिया है, अगर इसको कोई देखे नहीं,
और अगर इसको देखने वाला समझे नहीं तो ये निर्माण का अस्तित्व कहाँ है, अस्तित्व बनता ही नहीं। अगर निर्माण हो गया होगा तो हो गया होगा, क्यों, उसको देखने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है, तो निर्माण है या नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं आता है। इसलिए वो जो एक दृष्टा की तरह जो उसे देखता है और उसे समझता है कि ये क्या चीज है, तो वो चेतन प्रक्रिया इस वाली प्रक्रिया से अति सूक्ष्म और अति गतिमान और अति जगह जिसे बदलने के लिए बोलते हैं कि किसी भी एंगल से, ये लोग जो ये जो बना रहे हैं तीनों, इनके अपने एंगल हैं जी, मगर उसके दृष्टा के जो वो चेतन सुप्रीमो है जो किसी भी एंगल से, उसका कोई एंगल नहीं है, वो किसी भी एंगल से इस प्रक्रिया को देख सकता है, समझ सकता है। उसके लिए ये बहुत एक आसानी सा एक चीज है, आसानी सा काम है कि वो इस चीज को देख सकता है। उसे शास्त्र दृष्टा कह करके पुकारता है, या साक्षी आत्मा, साक्षी आत्मा कह करके उसे शास्त्र जो है पुकारता है, कहता है, लिखता है। तो ये जो है ये उस जिस चेतना की साइंटिस्ट बात कर रहे हैं उससे भी ये सुप्रीमो है, तो उससे भी ये ताकतवर है, तो इसमें ज्यादा ताकत है। और ये जो बना रहे हैं इसमें ताकत है, परमात्मा की शक्ति, सर्वशक्तिमान है परमात्मा कहा गया है, अंतिम स्थिति है जो तीसरी पोजीशन परमात्मा कहा गया है, जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा जो तीन पोजीशन है वो ठीक है बनाने की प्रक्रिया में, मगर ये तीनों अपने को देख नहीं सकते, अब अपने को अपने आप से नहीं देख सकते, ये प्रक्रिया उसमें नहीं आती है। ये प्रक्रिया जब ही आएगी जब पहली पोजीशन की जो चेतना है वो अगर लिक्विड उसमें सब जगह आ गया तो फिर इसकी चेतना कहाँ चली गई। तो ये चेतना जो है, चेतन प्रक्रिया अगर देखा जाए तो यहाँ दृष्टा रूप में वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा शक्तिशाली और बनाने वाला नहीं। बनाने वाला के लिए ठीक है, शक्ति है, हो सकती है, देखने में वो काम नहीं आती है, तो देखने और समझने ये स्वतः समझ में आती है। मैंने भी जब देखा था कि ये जीवात्मा ये इस तरीके की, अरे जीवात्मा, अरे जीवात्मा, भारत परमात्मा, ये परमात्मा, दुनिया भरे के जो देखते थे, मगर जब देखने के बाद जब हमने उसे चतुर्भुजाकार देखा तो मुझे एक झटका सा लगा कि अरे भाई ये इसको कहते थे जीवात्मा, अरे ये तो किसी काम का नहीं, किसी उपयोग में आने का नहीं, खाने में नहीं आ रहा, देख सुनने में नहीं आ, किसी काम का नहीं, अरे भाई ये कहाँ आ गए, ये इसको वो जीवात्मा है। बड़ी एक उदासीनता अंदर से आई कि अरे ये इतना मार, इतना लोग तपस्या, छोटी सी चीज लोग तपस्या करते, ये करते, ये करते, माँ त्याग करते, भजन करते, भक्ति करते और ये सारी योग साधना करते और आखिर में ये रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं, तो ये बेकार सी चीज। मेरे को अंदर से ये चीज, उस समय आप साक्षी चेतना के स्थिति में थे जी, हाँ, जिस हाँ, वक्त आपने देखा था उस समय आप साक्षी चेतना के हाँ, स्थिति में थे हाँ, और वो स्थिति काफी सुपीरियर है हाँ, जो कि उनको देख सकती है, देख सकती। तो देखने वाला वो तो हमेशा बड़ा होगा, हमेशा पावरफुल होगा, वो समझ में, समझने वाला भी है जो हाँ, देख रहा है ना वो समझेगा, उसे समझ में आता है बिल्कुल अपने आप। तो मेरे को भी हमने जब देखा तो मुझे समझ में आया कि क्या चीज है ये बेकार की, मगर जब हमने सेकंड पोजीशन देखी, फिर थर्ड पोजीशन देखी, तो तीसरी पोजीशन में लगा कि हाँ भाई कुछ निर्माण होने की गति, यहाँ शब्दों की आई, कुछ तो आवाज सुनी, यहाँ ओम जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ ओम ओम बोलता, ओम जैसा नहीं मगर हुंकार तो भरी रहा था। और एक जो साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि वो एक है, अगर वो धीरे गिर रहा था तो वो एक है, और जब उसकी गति है तो गति उसकी इतनी स्पीड है वो अनेक है, फिर तो वो अनेक होने के लिए एक ही लाइन में दिखाई देता मगर वो अनेक हो रहा है, एक ही लाइन को अनेक हो रहा है, तो उसकी गति इतनी तेज हो गई उस वक्त कि वो हमें एक ही दिखाई देता, मगर ये भी हमें पता चल रहा था कि ये कितनी गति में घूम रहा है, इसलिए अनेक है ये। तो वो जो साइंटिस्ट कोई बात कहे तो कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, वो सबकी सब वही बात कर रहे हैं कि जो सामने समझ में आती है या योगिक साइंस में जो चीज ये दिखाई देती है तो उसी की बात कर रहे हैं हम, तो उससे आगे की बात आपको बता रहे हैं। वो एक कर रहे हैं कि और अनेक भी कर रहे हैं चेतन प्रक्रिया, मैं तो अनेक क्या कर, मैं तो उससे आगे की बात बता रहा हूँ आपको कि ये एक भी है ऐसे और अनेक भी है, वो अपने तरीके से करते होंगे, हमने जो देखा है हम वही बोल रहे हैं। ओके, वी कैन इन्फर फ्रॉम व्हाट शर्मा जी हैज सेड दैट देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। One consciousness, which is the witness of everything,
which is free in itself, that is called pure consciousness. That is pure consciousness. And then the second type of consciousness is the consciousness which is involved in the process of the creation, which is called Paramatma, or the energy of consciousness. That is the second type of consciousness, the involved consciousness. And the third of consciousness is the consciousness of the Jivatma. Now in the consciousness of Jivatma, there are two things. One is the energy of consciousness, and second is the Prakriti or primordial matter. Now with the combination of primordial matter and the conscious, the energy of the consciousness, the multiple Jivatmas are formed, right? So in this way we can say there are three forms of consciousness. Consciousness number one, the consciousness which is free and which can witness everything, that is consciousness number one. Second, consciousness number two, which is involved in the process of creation only. Consciousness number three is the consciousness of the Jivatma, and Jivatma is the combination of the energy of consciousness and the primordial matter, which is also called Prakriti. Thank you.